एमपी में महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने बताया कि इस अभियान का पहला चरण बीती 19 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ था, अब दूसरा चरण मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने बताया कि महिलाओं की समस्या के चलते मध्य प्रदेश में अब नारी न्याय आंदोलन पूरी ताकत से गांव-गांव तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने बीती 29 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर से कर दी है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार शहरी और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं तक किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आधी आबादी के लिए हक मांगना है। साथ ही महिला आरक्षण, जातीय जनगणना, बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को लेकर जन जागरण भी चलाया जाएगा। अभियान में समान वेतन, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता, लाडली बहनों को मुफ्त में कॉलेज तक शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी। हमारी ये मांग है कि इसको लागू शीघ्रता से लागू किया जाए। इसमें ओबीसी और अन्य वर्गों की बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण दिया जाए, और इस आरक्षण को लागू करने के लिए चूंकि जनगणना आवश्यक है, इसलिए शीघ्रता से जनगणना करवाई जाए ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी से भी बहुत अधिक परेशान है, तो इन उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सीधे उनके खाते में 1,00,000 रुपए जमा होने चाहिए, और जो महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है उन्हें नौकरी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण राजधानी में करने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।